साथियों सुप्रभात, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे एवं स्वस्थ होंगे और अपना गृह कार्य अच्छे प्रकार से कर रहे होंगे, ऐसी आप सबसे उम्मीद है। तो प्यारे बच्चों, जो सद्रूप प्रकरण दे रखा है, इस सद्रूप प्रकरण में आज हम आकारांश से ले गए में जितने भी सद्रूप आते हैं वो सीखेंगे, जैसे रमा, लता, विद्या, बाला, बालिका। तो जिसके बाद भी आकारांत आता है, आ आता है, उसको जो है आकारांत सद्रूप में बोलते हैं। सद्रूप जो है इसमें से हम इसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। जो वर्णों का सार्थक शब्द होता है, वर्णों का सार्थक जो समूह होता है वह शब्द कहलाता है। और क्या है, किंतु वाक्य में शब्द का प्रयोग न होकर पद का प्रयोग होता है। और पद का निर्माण करने के लिए शब्द से सात विभक्तियों में विभिन्न प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। जो विभक्तियाँ होती हैं सात है, उनमें विभिन्न प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, जिसे संक्षेप में सूप कहते हैं। और उन शब्दों को पद कहते हैं जिनमें उन प्रत्ययों को मिलाया जाता है। किसे कहते हैं? उन शब्दों को पद कहते हैं जिसमें इन पत्रों को मिलाया जाता है। जैसे एक शब्द आता है राम, मान लीजिए राम आया है, तो क्या है, राम तो शब्द है, राम क्या है, तो शब्द है। अगर जो है ये राम तो शब्द है, इसके साथ जो है हम ये विशेषण मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सुबंध रूप जो है इसका जो सुबंध रूप बनकर जो है तैयार होता है राम, ऐसे राम। तो हम आज जो है इस वीडियो में आकारांत में जैसे लता है, लता, लता का सद्रूप सीखेंगे। अगर आप लता का सद्रूप अच्छी प्रकार से करेंगे तो लता के सद्रूप के समान ही रमा, बालिका, बाला, विद्या आदि सद्रूप में बना सकते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमें जो है विभक्ति लेनी है। विभक्ति पता है सात होती है। और उसके बाद वचन लेंगे, वचन हिंदी में वचन एक वचन और बहुवचन होता है, परंतु संस्कृत में वचन तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। इसमें जो है एक वचन में क्या बनेगा, द्विवचन में कौन से होते हैं, बहुवचन में कौन से होते हैं। तो विभक्ति जैसे कौन सी है, विभक्ति है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी एवं सप्तमी। और जो है लास्ट में आता है संबोधन, संबोधन में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है, संबोधन। इसमें हम इस प्रकार से करेंगे, देखिए सबसे पहले जो लता है, लता में अगर आप इस प्रकार से प्रथमा विद्या तृतीया ऐसे सीखना चाहे ऐसे भी सीख सकते हैं, और ऐसे चाहे तो आप ऐसे भी सीख सकते हैं। इसमें क्या है, ऐसे जो एक वचन में होता है ना प्रथमा में, वो आता है लता, लता सीखने का तरीका है। द्वितीया में लताम आम आ जाएगा, लताम। पहले क्या आया है लता, फिर लता, फिर आएगा इसमें लतिया, लतायर, लताए। तो लताए के बाद जो है चतुर्थी और पंचमी जो है सेम, चतुर्थी ये है, पंचमी और षष्ठी जो है इसमें क्या आती है, सेम होती है। तो लताया, लताया, लताया और षष्ठी भी लताया। और जो सप्तमी होती है ये आती है याम, लता याम, लता या।
फिर लतिया तृतीया चतुर्थी और पंचमी जिसमें सेम होती है लताभ्याम लताभ्याम और लताभ्याम, इसमें आएगा लता भ्याम इस अस्त्र पंचतुर्थी प्रथमा द्वितीया तृतीया अब चतुर्थी, ये भी ऐसे ही आएगी लता भ्याम और लता भ्याम। अब जो है षष्ठी और सप्तमी सेम आती है लतियो लतियो, लतियो और फिर है संबोधन, इसका ना हे लते, इसका भी हे लते लिया हे लते। एक वचन हो गया, द्विवचन हो गया, अब है बहुवचन लता लते लता, ये तो एक है, ये दो थी, दो को बोलने के लिए अभी बहुवचन ज्यादा के लिए लता लता, दोनों आए ना लता लते लता लता लते लता। अब लता भी लता है लता है लता भी, अभी और लता मैं भी तो सेम आएंगे लता है और लता है। अब लता 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 भी लता भे और अब जो है अब आ जाती है षष्ठी की, इसमें जो है लता नाम फिर लता सु, लता नाम लता सु, लता सु हो गया। अब इसे संबोधन, संबोधन में हे लता जाएगा लता। देखिए दोबारा कि जिस तरह हमने लता का सिर्फ संपूर्ण क्या किया ना, अब इसमें हम रमा का लगा कर देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या लगाया है लता, यहाँ पर लगाएंगे रमा रमाम रमिया रमाया रमा रमाया 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 खेर। द्विवचन में रमे रमे रमाभ्याम 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 रमियो रमियो खेर। बहुवचन में रमाह रमाह रमाभि रमाभै रमाभ्य रमाना रमासु खे रमा। इसी प्रकार आप इसमें से कोई भी शब्द जिसमें आकारांत आता हो लगाकर बना सकते हैं, जिसके बाद जिस शब्द के बाद अकारांत अर्थात आ आता हो उसको जो है आप किसी के अकॉर्डिंग में बना सकते हैं और आप इस प्रकार से सीख सकते हैं। धन्यवाद।